हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जे आर एफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब? फिर से स्वागत है दोस्तों आपका 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सबको पता है, नई शिक्षा नीति आने के बाद में दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में आपको देखने को मिल रहे हैं डे बाई डे। हर दिन कोई ना कोई न्यूज आपको आती दिखेगी कि नई शिक्षा नीति में ये बदलाव किए गए, है ना। आपका नेक है, एनबीए है, उसको हटा के एक एनबीसी नेशनल एनएसी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बन रही है। ऐसे ही आपकी यूजीसी और एआईसीटी को हटाने की बात चल रही है और उसकी जगह एक नई बॉडी है वो एस्टेब्लिश की जा रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यूजीसी एंड एआईसीटी को रिपील करके एक नई बॉडी है वो आपकी स्थापित की जानी है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज के सेशन में दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोग इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं एग्जाम्स में। अभी पिछले 2 साल के एग्जाम देखोगे, जब से नई शिक्षा नीति आई है इससे क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं और सेशन को लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको फायदा होगा। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि आपका एक नया बिल आ रहा है, ड्राफ्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2018। इसके लिए बेसिकली जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसका जिक्र किया गया था कि भाई हम आने वाले टाइम पे एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी एस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आपका एक बिल भी आ रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट या बिल 2018, ठीक है। तो ये आपका आने वाला है। अब ये जो एक्ट आएगा दोस्तों, इसमें बेसिकली जो यूजीसी एक्ट है आपका, यूजीसी एक्ट है 1956 का, इसको क्या किया जाएगा, रिपील किया जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह एक नई बॉडी, एक नया एक्ट है वो आपका आने वाला है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका आने वाला है, ठीक है। अब इसके मेन मेन फंक्शंस क्या होंगे, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, तो इन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 2-3 चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था कि पूरे के पूरे हायर एजुकेशन कमीशन को कौन देखता था, यूजीसी देखती थी। अब क्या होगा कि इस यूजीसी को और एआईसीटी को, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, दोनों को खत्म करके एक नया निकाय आपका बनाया जा रहा है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसके एम्बिट में आपका ना तो लो आएगा और ना ही मेडिकल की पढ़ाई आएगी, मेडिकल और लो दोनों नहीं आएंगे। तो मेडिकल को कौन देखेगा, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और मेडिकल को कौन देखता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, नई बॉडी तो बन रही है लेकिन लो और मेडिकल इसके एम्बिट में नहीं होंगे। बीसीआई और एनएमसी, ये आपके लो बीसीआई लो को देखेगी और मेडिकल एनएमसी को। अब दोस्तों ये सवाल है 2020 में आपसे पूछा गया था कि जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन रहेगा ऑल ओवर द कंट्री, ना पूरे देश के लिए एक सिंगल रेगुलेटर है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा। इसके दोस्तों 4 वर्टिकल हैं, कितने वर्टिकल हैं, इसके 4 वर्टिकल्स हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पहला वर्टिकल कौन सा है दोस्तों आपका, पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC लिख लीजिए पहला। दूसरा वर्टिकल है दोस्तों नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, जिसकी मैं अभी डिटेल से बात करूंगा। तीसरा है दोस्तों आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये आपका तीसरा वर्टिकल है। और चौथा वर्टिकल है दोस्तों जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये 4 आपके क्या है वर्टिकल। अब हम पहले को पढ़ते हैं दोस्तों, पहला कौन सा है आपका, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, कि जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है, टीचर एजुकेशन हो, सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, सबको कौन देखेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन है ये दोनों ही नहीं शामिल, पहली चीज, ठीक है। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, एक्चुअली में एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछी गई थी आपसे, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना। पहला,
दूसरा है दोस्तों नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल, तो हमने बात की थी नेक और एनबीए, ये दो आपकी बॉडीज हैं दोस्तों। नेक जनरल इंस्टीट्यूशन को एक्रीड करती है और एनबीए आपका किसको करती है, टेक्निकल। तो दोनों को ही खत्म करके एक नई बॉडी बनाई जा रही है जो है नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल, जो आपकी रेटिंग भी देगी, है ना। जो एनआईआरएफ है उसको भी खत्म किया जाएगा और इन सब की जगह एक नई बॉडी लेके आएंगे एनएसी, नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल, जिसका काम क्या होगा दोस्तों, ये आपकी रैंकिंग भी देगा यूनिवर्सिटीज की, प्लस आपको ग्रेडिंग भी देगा, है ना। ये दोनों के दोनों इसके काम होंगे, नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल, ठीक है। ना तो नेक रहेगा, इसको खत्म करेंगे, एनबीए को भी खत्म करेंगे, प्लस एनआईआरएफ को भी खत्म करेंगे जो आपको हायर एजुकेशन की रैंकिंग देती है, इन सबको खत्म करके एक नई बॉडी आपकी एस्टैब्लिश की जाए। तीसरा है दोस्तों हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, इसका काम क्या है कि जो कॉलेजेस हैं एंड जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको क्या करेगी, फाइनेंस के लिए, फंडिंग के लिए, वित्त सहायता के लिए, वित्त पोषण के लिए इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों चौथा है हमारा जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, विच इट विल फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम आल्सो रेफर्ड एज अ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, इसको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखें। इसके अलावा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF भी आपका फॉर्मुलेट किया जाएगा जनरल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। ये सवाल भी आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि भाई जनरल एजुकेशन काउंसिल है उसके द्वारा कौन सा फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो कि GEC के द्वारा आपका एस्टेब्लिश किया जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं दोबारा से बताता हूँ, आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। किसकी जगह, UGC की जगह, UGC को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना है जो की जा रही है, जो कि पावर और रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे मेरे, जितने भी आपके 5 मिनट सीरीज हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो मुझे, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना, आप ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसकी नीड है, है ना। तो अगर आपको नीड है ऐसे सेशंस की, पेपर वन में सारे यूनिट्स की हम ऐसे सेशंस आपके लिए ला सकते हैं, तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ऐसे सेशंस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका जो हायर एजुकेशन है इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे इसका फंक्शन है लर्निंग आउटकम फॉर कोर्सेस, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्चेस, ठीक है, एक्रीडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन, कहीं कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बंद करवा दो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्रांट ऑथोराइजेशन टू इंस्टीट्यूशन टू कॉमेंस एकेडमिक ऑपरेशंस, ठीक है, अवार्ड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, अफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना है, ग्रेड ऑटोनॉमी देनी है, है ना, वाइस चांसलर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उसको डिसाइड करना है ना, सेटिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फी को रेगुलेट करना, ये सारे के सारे फंक्शन है वो इसके रहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका सेशन था। इसके अलावा आप मुझे आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहले तो NAC को के लिए एक कमेटी बन रही है, ठीक है, जो मैंने आपको एक सेशन लेके बताया, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, याद है आपको, पटवर्धन कमेटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, NAC की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे बताना है कि NIRF जो रैंकिंग है उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप कौन सी है, कॉलेज लेवल पे कौन सी है टॉप पे, और आपका अवर रोल में टॉप पे कौन है, ठीक है। ये तीन यूनिवर्सिटीज आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। NAC की कमेटी है ना, NAC की फुल फॉर्म, NIRF है उसमें यूनिवर्सिटी में टॉप पे कौन है, कॉलेज में टॉप पे कौन है, और ओवरऑल में टॉप, ये आप मुझे क्लास के बाद कमेंट करके बताएंगे सब। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एटम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो JRF फंड ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से कंप्लीट पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की आपकी तैयारी होगी। और पेपर टू दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अगर कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पेपर पढ़ना चाहते हो, नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर आपके PGT के लिए, है ना, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए डिटेल से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं एटम बैच को, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इनसे आप बात करोगे तो वो आपका सारा प्रोसीजर बता देंगे, लिंक भी दिया है ऐप का, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है जी। चलो ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ से फ्री क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, क्विज वगैरह सब आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, कमेंट जरूर करना सब लोग कि कैसा लगा सेशन। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।